हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने ये जाना था ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, और हमने ये दूसरा बात ये जाना था चूंकि ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है और अनसर्टेनिटी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की है। और ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही ये एक पैरामीटर है जिससे आपको पता चल जाएगा टॉप मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है कि इनकॉम्पिटेंट है। अगर टॉप मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंट है, अगर रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं तो है तो टॉप मैनेजमेंट उतना कॉम्पिटेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट होने के लिए कई चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। रिस्क मैनेजमेंट होने के लिए हमने ये जाना था कि एसेट्स के बारे में आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एक ज़बरदस्त एसेट्स का कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं बना हुआ है, आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में एफए रजिस्टर नहीं होता है, तो अगर एक अच्छा फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं है और उसमें सारी डिटेल्स नहीं है तो फिर इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट करना वहाँ पर डिफ़िकल्ट है। अब एफए रजिस्टर में आईटी इक्विपमेंट्स होंगे लेकिन इंटेंजिबल्स नहीं होंगे। वहाँ पर इंटेंजिबल्स बहुत से चांसेस होते हैं, इंटेंजिबल आइटम्स नहीं होते। तो इंटेंजिबल आइटम्स में आज की डेट में इंटेंजिबल आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो डेटा कहाँ पर रखा है, किधर रखना है, ये भी मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सारे हेड डिपार्टमेंटल हेड्स को पता होना चाहिए उनका डेटा कहाँ पर आईटी ने रखा हुआ है। आईटी एक कस्टोडियन की तरह काम कर रहा है, पहले मैनेजमेंट एक कस्टोडियन की तरह काम करता था और अब मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता था, सारा डेटा जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखता था, बुक्स में रखता था। एचआर की किताबें होती थी, अकाउंट्स की किताबें होती थी, सेल्स की के इनवॉइसेस होते थे और वो सारे गोडाउन में चले जाते थे और उसे लास्ट में एज अ कस्टोडियन जो है, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उसे एडमिन रखा करता था। लेकिन सिचुएशन चेंज हुई, डेटा डीमेटरलाइज हुआ, डेटा जो है आईटी डेटा को रखने लगा, आईटी को डेटा रखने लगा, तो वो कस्टोडियन हो गया। तो उस कस्टोडियन को ये पता होना चाहिए डेटा रूपी एसेट कहाँ पर होगा, और डेटा रूपी एसेट इज़ द किंग। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी पैदा इसीलिए हुआ है कि डेटा किंग हो गया, मतलब जो हम हमारा जो ये नया बिजनेस है, नया स्किल्स हम डेवलप कर रहे हैं, नया तरह का ऑडिट पैदा हुआ है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट केवल और केवल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हम जो है एक नया तरीके का एसेट पैदा हो गया इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और उसमें रिस्क बहुत बढ़ गए, और इसलिए इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट हम ये पढ़ रहे हैं। तो हमने ये जाना था सबसे पहले हम एसेट्स को रखेंगे और उन्हें क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद क्रिटिकलिटी के अनुसार उनका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और अनक्लासिफाइड, इस तरीके से हम उसे कैटेगराइज करेंगे। एक बार हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे तो फिर उसके बाद थ्रेट्स पता करेंगे क्या थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स मैनमेड हो सकते हैं, थ्रेट्स इन्वायरमेंटल हो सकते हैं। हमने दूसरे तरीके से थ्रेट्स को भी क्लासिफाई किया था, इंटरनल थ्रेट्स और एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो ये सारे थ्रेट क्लासिफिकेशन करेंगे। एक बार जैसे ही हम थ्रेट क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो हम रिस्क असेसमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम रिस्क असेसमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, और रिस्क असेसमेंट में दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। थ्रेट्स तो ऑलरेडी हम पता जान चुके हैं आप, वनरेबिलिटीज और लाइकलीहुड, दो चीज, थ्रेट्स की लाइकलीहुड और वनरेबिलिटीज, दो चीजें हमें पता करनी है। क्योंकि थ्रेट्स क्या करेगा, वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। थ्रेट्स की लाइकलीहुड ज्यादा होगी तो रिस्क ज्यादा होगा, वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेगा, अगर चीजें वनरेबल होंगी तो थ्रेट बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा और उससे इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट के बारे में भी हमें जाना था, हमने ये जाना था कि इम्पैक्ट जो होता है वो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, अगर थ्रेट जो लाइकलीहुड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लाइकलीहुड का फैक्टर बढ़ जाएगा तो थ्रेट बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इम्पैक्ट में तीन चीज़ें होती हैं, एक एसेट की वैल्यू और दूसरा आपका वनरेबिलिटी का फैक्टर होता है और एक लाइकलीहुड की प्रोबेबिलिटी होती है, तीन चीज़ होती हैं। तीन चीज़ों से ही हम रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं कितना रिस्क होगा। और जब थ्रेट क्रिस्टलाइज होता है, मेटेरलाइज हो जाता है तो इम्पैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और हमने इम्पैक्ट एनालिसिस भी पढ़ लिया था। उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस पढ़ने के बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट पर आए थे, यानी रिस्क असेसमेंट से रिस्क मैनेजमेंट पर आए थे। रिस्क असेसमेंट में हमने वनरेबिलिटीज़, लाइकलीहुड और इम्पैक्ट एनालिसिस किया था। उसके बाद हम आए थे रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट में हमने स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी, कई तरह की स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, रिस्क अवॉइडेंस हो सकती है जो कि सबसे बेकार स्ट्रेटजी है, सबसे लीस्ट प्रेफर्ड स्ट्रेटजी है। उसके बाद रिस्क मिटिगेशन या रिडक्शन होगा, रिस्क ट्रांसफर होगा, रिस्क रिटेंशन होगा। अगर कई केसेस में क्या होता है कि हम एक्नॉलेज करते हैं, रिस्क को एक्नॉलेज करते हैं कि ये रिस्क है, और हम उसे रिस्क, या तो इतना ज़्यादा रिस्क होता है
यार कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल रिस्क है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, या रिस्क बहुत कम होते हैं तो उसे हम कहते हैं चलो मॉनिटर कर लेते हैं। उसके बाद हमने रेजिडुअल रिस्क के बारे में पढ़ा था। रेजिडुअल रिस्क वो रिस्क है जो बाय डिफ़ॉल्ट रह जाता है, मतलब रेजिडुअल रिस्क रह ही जाता है तो उसको हम रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। तो अब हम जो है रिस्क असेसमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि सबसे ऊपर होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के नीचे पॉलिसीज़ बनती हैं। लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो गोल्स एंड मिशन के अनुसार बनेंगी और पॉलिसी उसी के अनुसार फ्रेम करेंगी। तो यानी अगर हम हमने ये पढ़ा था कि सबसे ऊपर होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और मिशंस होते हैं, उसी के अनुसार पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके नीचे जो है प्रोसीजर्स होते हैं, और पॉलिसीज़ के नीचे स्टैंडर्ड्स होते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड्स जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड हमने अडॉप्ट करके हम लेकर आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उन स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं पॉलिसीज़ के नीचे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड्स से हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। स्टैंडर्ड्स जो पॉलिसी बनाने में स्टैंडर्ड्स की हम हेल्प लेते हैं। तो पॉलिसीज़ ऊपर होती हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके प्रोसीजर्स होते हैं, और उसके बाद रेगुलेशंस होंगे। ये फॉर्मेट बड़ा था, लेकिन इस फॉर्मेट को थोड़ा सा हम अमेंड करते हैं और ये कहते हैं कि गोल्स एंड मिशन तो सबसे ऊपर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसके मिशन हैं, सबसे ऊपर होते हैं। उसके बाद आती है ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, यानी गोल्स और मिशन के बाद हम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को कंसिडर करेंगे और उसी के अनुसार पॉलिसीज़ बनाएंगे, उसी के अनुसार प्रोसीजर्स बनाएंगे। यानी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अनुसार हमारी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होंगे। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देने वाली बात यह है कि आईटी जो है 5 साल में एक जनरेशन चेंज हो जा रही है, जनरेशन चेंज हो जा रही है तो रिस्क चेंज हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स भी में भी इफेक्ट डालेगा। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, ये चीज़ हमारे एग्ज़ाम में भी आ सकती है और इसको हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे ऊपर गोल्स एंड मिशन होते हैं और हमने बोला था उसके बाद पॉलिसी होती है, नहीं, पॉलिसीज़ से पहले हम रिस्क, अगर कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनी है और उसमें रिस्क मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट का कंसिडरेशन लेंगे और उसके बाद गोल्स एंड मिशन आएंगे, नहीं सॉरी, उसके बाद पॉलिसी एंड प्रोसीजर आएंगे। गोल्स एंड मिशन सबसे ऊपर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, क्या चीज़ है, और उसी के अनुसार हम देखेंगे इस गोल्स को मीट आउट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या रिस्क में पड़ सकता है, क्या रिस्क हो सकते हैं। जैसे बैंक है, हमने कहा जी बैंकिंग का बिजनेस करेंगे, अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल और मिशन हो गया बैंकिंग बिजनेस, अब हम ये देखेंगे रिस्क क्या हो सकते हैं। हम सेंट्रलाइज बैंकिंग करेंगे, आज का ज़माना सेंट्रलाइज बैंकिंग का, हमारे पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा जिसमें सारे सब अकाउंट के खातेदारक के अकाउंट्स होंगे। अब यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट होगी और इसी रिस्क मैनेजमेंट में क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे, उसी के अनुसार पॉलिसी प्रोसीजर्स बनेंगे, पॉलिसीज़ बनेंगी, स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, प्रोसीजर्स होंगे और फिर रेगुलेशंस होंगे। तो ये तरीके ये है, अगर कोई स्टैंडर्ड्स पॉलिसी के विरोध में जा रहा है तो पॉलिसी फॉलो की जाएगी, लेकिन पॉलिसी बनेगी रिस्क के अनुसार, रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार, रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार। और रिस्क मैनेजमेंट, ध्यान रखिए, पॉलिसी जो है स्ट्रेटेजिक लेवल की होती है और रिस्क मैनेजमेंट भी स्ट्रेटेजिक लेवल का होता है। यानी रिस्क मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, रिस्क मैनेजमेंट जो करेगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जॉब होगा। छोटा लेवल टैक्टिकल मैनेजर कह सकता है कि भाई रिस्क इज़ नॉट माय जॉब, माय बॉस, रिस्क इज़ नॉट माय जॉब, इट्स योर जॉब। वैसे ऐसा कहा नहीं जाता है, ऐसा कहने में वो आपको नौकरी से निकाल देंगे टॉप मैनेजमेंट। लेकिन बेसिकली अगर कोई गट्सी मैनेजर है तो वो ये कहेगा कि दिस इज़ नॉट माय जॉब, रिस्क मैनेजमेंट इज़ नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू थिंक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद आपको पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स बनानी है। मैं तो उस पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को फॉलो करूँगा, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाने का काम आपका है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। मेरा काम तो केवल उन पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, और आप जो पॉलिसीज़ प्रोसीजर बना रहे होंगे वो रिस्क को कंसिडरेशन में लेकर बना रहे होंगे। आप टॉप मैनेजमेंट, इतनी आपकी समझ होनी चाहिए, इतनी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी आपकी सोच होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और मिशंस जो है वो कंसीडर किए जाएंगे अगर हम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जब बना रहे हैं। तो आज जैसा कि हमने बोला कि सारा रिस्क हम प्रैक्टिकली एड्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा होगा प्रायोरिटाइज करेंगे, हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को इम्पैक्ट और हार्म, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और हार्म जहाँ पर आ रहा है, जहाँ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो रहा है या सिग्निफिकेंट नुकसान हो रहा है, उन रिस्क को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के अनुसार पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, उनको हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे, यानी प्रायोरिटाइज़ करना हमारा काम है।
तो यानी कि रिस्क की प्रायोरिटाइजिंग और रिस्क की बैलेंसिंग दो काम है। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट में हम रिस्क की स्ट्रेटेजी तो बनाते ही बनाते हैं, एक और चीज़ करते हैं, रिस्क को प्रायोरिटाइज करना और रिस्क को बैलेंस करना। और रिस्क को प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या है? प्रायोरिटाइज का मतलब ये है कि जहाँ ग्रेटेस्ट लॉस और ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी है उसको सबसे पहले देखा जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के एक जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है, दिन में 12 घंटे चले जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फेलियर बहुत ज़्यादा है और उससे लॉस भी बहुत ज़्यादा है। आपके पास कोई, आप ऑनलाइन कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, तो उससे आप एक सपोज़ वो चला रहे हैं, कॉल सेंटर चला रहे हैं और वहाँ पर लाइट चली जा रही है, लाइट तो मेन चीज़ है, तो वहाँ पर आपको उसके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। आप एक कॉल सेंटर चला रहे हैं, वॉइस हर समय चलती रहनी चाहिए वो कॉल सेंटर में, और वॉइस नहीं, वॉइस के पीछे इलेक्ट्रिसिटी होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी गई हो तो आपके सिस्टम्स काम करना बंद कर जाएंगे, फिर आपका वॉइस डेटा नहीं जाना बंद हो जाएगा। तो आप इस ऐसी जगह में जहां पर 12 घंटे ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की और ग्रेटेस्ट लॉस हो सकता है। यानी 12 घंटे आपको रात को इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, आप US को केटर कर रहे हैं, रात भर इलेक्ट्रिसिटी गई और मालूम पड़ा अगले दिन सारा का सारा बिजनेस गायब हो गया। जब आप सर्विस नहीं दे सकते हैं, आप कंटिन्यूस रिलायबल सर्विस नहीं दे सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ तो कॉल सेंटर, अच्छे कॉल सेंटर में ये होता है कि एक दो घंटे भी अगर महीने में लाइट जा रही है और अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका बिजनेस पूरी तरीके से वाइप ऑफ हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट लॉस और ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वहाँ पर, हम देखेंगे, इसे कहते हैं रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। वैसे नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये हमें समझने चाहिए, ये मैनेजमेंट को समझनी चाहिए ताकि सारे लोग एक पेज में हो जाएं। उसके बाद क्या है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है सेकंड स्टेप में, क्योंकि दूसरे स्टेप में क्या होता है, कई जगह रिस्क बहुत ज़्यादा होती है प्रोबेबिलिटी कम होती है, और कई जगह प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और रिस्क कम होता है। मतलब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर रिस्क बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है, रिस्क को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। एक जगह जैसे फॉर एग्जांपल सुनामी आई, सुनामी सालों में एक बार आई लेकिन फुजिकामा के न्यूक्लियर पावर प्लांट को ख़त्म कर गई। इवन ये हालत हो गया कि टोक्यो को खाली कराना पड़ेगा, ऐसा सोचा जाने लगा। जापान की गवर्नमेंट इस लेवल तक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं, जापानीज गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली ये सोचने लगी। जापान की गवर्नमेंट है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस गवर्नमेंट ही लेगी कंट्री के हिसाब से, तो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ सोचने लगी कि कहीं जापान को खाली ना कराना पड़े, न्यूक्लियर फॉलआउट इतना हो गया था। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी सुनामी की लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा था। तो रिस्क जहाँ ये, और कई जगह पर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क कम होता है, तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर रिस्क बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में आपने क्या किया, पहले तो स्ट्रेटेजी डिसाइड की, फिर देखा कि भैया प्रोबेबिलिटी देखी और इम्पैक्ट देखा, रिस्क का हाई इम्पैक्ट है, लो इम्पैक्ट है, और वहाँ पर आपने प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस की, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन किया। तो सबसे पहले आपने क्या कहते हैं उसको, उस सिचुएशन को लिया जहाँ पर ग्रेटेस्ट लॉस है और ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, वो रिस्क को प्रायोरिटाइज़ किया आपने। रिस्क को प्रायोरिटाइज़ करने के बाद आप दूसरी तरफ पड़े रिस्क को बैलेंसिंग करने में। रिस्क बैलेंसिंग में आपने क्या किया, रिस्क को बैलेंस करना चालू किया, यानी कि जो हाइस्ट प्रोबेबिलिटी, मैंने पहले भी बोला था कि कई फुजिकामा जैसी चीज़ मैनेजमेंट भूल जाता है, जो लो प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट है, फुजिकामा का होना, सुनामी आने की लो प्रोबेबिलिटी थी लेकिन इम्पैक्ट मैसिव था, हाई इम्पैक्ट था, ऐसी चीज़ें मैनेजमेंट ध्यान नहीं देता है, वो दूसरी तरफ चले जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और हाई इम्पैक्ट होता है, लो इम्पैक्ट होता है, सॉरी, हाई प्रोबेबिलिटी और लो इम्पैक्ट है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन वो रिस्क बैलेंसिंग नहीं है, वो सही चीज़ नहीं है। तो आपको वहाँ पर रिस्क बैलेंसिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप देखोगे लो प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट में क्या करोगे, रिस्क को स्ट्रेटेजी ऑफ रिस्क बनाओगे, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क मिटिगेशन, रिडक्शन या रिस्क ट्रांसफ़र, रिस्क रिटेंशन या एक्सेप्ट कर लोगे उस रिस्क को। उसके अलावा रिस्क प्रायोरिटाइजेशन करोगे, रिस्क बैलेंसिंग करोगे। हमने ये बोला था कि सबसे पहले क्या होगा, पहले हम एसेट्स को देखेंगे, एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे, एसेट्स को क्लासिफाई करने के बाद उसको
प्रायोरिटी उसको क्रिटिकलिटी के अनुसार रीक्लासिफाई करेंगे। यानी एसेट्स को हमने क्लासिफाई किया, इंटेंजिबल टेंजिबल, डेटा एसेट, सॉफ्टवेयर एसेट, हार्डवेयर, पीपल। टेंजिबल एसेट में क्या हुए, हार्डवेयर, पीपल, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्यूटिंग फैसिलिटी। और उसके बाद हमने उसे प्रायोरिटाइज किया, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, उसके बाद था आपका सेंसिटिव और अनक्लासिफाइड। उसके बाद हमने उसमें थ्रेट्स देखी। इसके बाद हम रिस्क असेसमेंट में खड़े हो गए। रिस्क असेसमेंट हमने करना स्टार्ट किया, ये चीज़ें हमारे पास आ गई, रिस्क असेसमेंट स्टार्ट किया। रिस्क असेसमेंट में हमने क्या किया था, रिस्क असेसमेंट में हमने वनरेबिलिटी देखी थी और उसके बाद लाइकलीहुड ऑफ थ्रेट देखा था, थ्रेट कितनी बार हो सकती है, और उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस कर दिया था। इसके बाद हम चले थे रिस्क मैनेजमेंट में और हमने स्ट्रेटजीज स्टार्ट की थी। ये सब चीज़ अब हमारे पास सारी चीज़ें, लाइकलीहुड भी है, थ्रेट भी है, इम्पैक्ट एनालिसिस भी हम कर चुके हैं, और रिस्क की मोटी मोटी जानकारी हमें हो सकती है, समझ हो चुकी है। रिस्क को हम ये देख चुके हैं कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट है, कौन सा लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट है, कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट है, कौन सा लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें हम भी देख चुके हैं। अब हम स्ट्रेटेजी करेंगे, रिस्क को अवॉइड करेंगे, अगर रिस्क अवॉइडेंस करना है। गलत स्ट्रेटेजी है, मतलब सेल्डम यूज स्ट्रेटेजी है, लेकिन रिस्क अवॉइडेंस एक स्ट्रेटेजी है। कई केसेस में हमें रिस्क अवॉइडेंस का डिसीजन लेना पड़ेगा, और कौन लेगा, सीनियर मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्पेसिफिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क मैनेजमेंट की। फिर वो या फिर रिस्क मिटिगेशन या रिस्क रिडक्शन का के बारे में सोच सकता है, जो कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। रिस्क को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे सकता है, शेयर कर सकता है रिस्क को, रिस्क रिटेंशन और एक्सेप्टेंस कर सकता है। कुछ रिस्क लो रिस्क होंगे या बहुत ज़्यादा रिस्क होंगे, पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो उसमें वो कहेगा कि एक्सेप्ट कर लेगा उस रिस्क को, ठीक है यार ये रिस्क तो है ही है। कुछ रिस्क फिर भी बच जाएंगे, वो रेजिडुअल रिस्क कहलाएंगे। उसके बाद अलावा हमने ये जाना था कि गोल्स और मिशन सबसे ऊपर होता है, उसके बाद हम गोल्स एंड मिशन के अनुसार रिस्क इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, और उसी के अनुसार पॉलिसी प्रोसीजर्स बनेंगी और फिर स्टैंडर्ड्स होंगे, फिर उसके बाद आपके नहीं उसी के अनुसार पॉलिसीज़ बनेंगी, फिर स्टैंडर्ड होंगे, उसी के अनुसार प्रोसीजर्स होंगे, और उसके बाद सबसे नीचे गाइडलाइंस होंगी। दूसरी बात हमने ये भी समझा था कि रिस्क मैनेजमेंट में सारी चीज़ें हम सारे रिस्क को हम एड्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हमें रिस्क प्रायोरिटाइजेशन और रिस्क बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बताएगा, और फिर हमने ये पढ़ा था कि वो जब एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बताएगा, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, टॉप मैनेजमेंट की, सीनियर मैनेजमेंट की, उसके बाद जब हम रिस्क का रिस्क असेसमेंट करने के बाद रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उस समय रिस्क प्रायोरिटाइजेशन और रिस्क बैलेंसिंग करेंगे। और रिस्क प्रायोरिटाइजेशन और रिस्क बैलेंसिंग क्या होती है वो मैंने बता दिया था। इसके बाद हम रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करेंगे, इंफॉर्मेशन रिस्क और कंट्रोल्स के बीच में रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करेंगे। यानी कि वैसे तो अंडरस्टैंड करने की कोई बात नहीं है, रिस्क जहां बड़ा होगा वहां कंट्रोल्स ज़्यादा होंगे। यानी रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंट्रोल, मोर द रिस्क मोर द कंट्रोल्स। यानी कि इंफॉर्मेशन रिस्क जहां पर ज़्यादा होगा वहां पर कंट्रोल्स भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ऑब्वियस है, लॉजिकल है। तो हमारी स्टडी इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझाने की कोशिश करती है। रिस्क मैनेजमेंट जनरली हर कोई समझता है, लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में समझ नहीं होती है टॉप मैनेजमेंट को, वो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस नहीं करता, कोई भी बैठता नहीं, कोई भी एनालिसिस नहीं करता, मैनेजमेंट इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता है, कई बार उसको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट एक अनसर्टेन साइंस है, अनसर्टेनिटी जनरली मैनेजमेंट में को मैनेजमेंट के जो एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं, उन्हें कंट्रोल अच्छा लगता है, प्रसाइज चीज़ें अच्छी लगती है, जहाँ पर इम्प्रसाइजनेस आ जाती है वो चुपचाप कोशिश करते हैं उसे अवॉइड कर लें। तो रिस्क मैनेजमेंट को टॉप मैनेजमेंट जनरली अवॉइड कर लेता है, अगर कॉम्पिटेंट नहीं हो। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है तो वो समझता है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, वो रिस्क मैनेजमेंट समझने के लिए उसे टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को बहुत जगह टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, उसका एक रीज़न होता है, कई बार उसको नॉलेज होती है लेकिन कई बार कुछ समय जाकर वो ऑब्सोल्यूट हो जाती है, तो रिस्क मैनेजमेंट को उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट का काम है। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि 100% रिस्क एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ में रिस्क है, फ्यूचर में क्या हो जाए वो अनसर्टेनिटी है, आप कितने ही कंट्रोल लगा ले 100% रिस्क एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो रिस्क को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, रिस्क एलिमिनेशन नहीं किया जा सकता है।
रिस्क मिटिगेशन किया जाता है। अप्रोप्रिएट डिसीजंस, अप्रोप्रिएट एक्शन से रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। जो हमने पढ़ा था स्ट्रेटजी रिस्क मिटिगेशन, रिस्क इलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो थ्रेट्स क्यों आती हैं? देखो कंट्रोल्स लगाने में हमें यह समझना पड़ेगा कि थ्रेट्स, वनरेबिलिटी और लाइकलीहुड, तीन चीज, थ्रेट्स, वनरेबिलिटी और लाइकलीहुड और फाइनली इम्पैक्ट, और थ्रेट के साथ थ्रेट सोर्स समझना पड़ेगा। थ्रेट और थ्रेट सोर्स एक साथ है। थ्रेट सोर्स थ्रेट पैदा करता है, थ्रेट लाइकलीहुड और वनरेबिलिटी, थ्रेट वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है और इम्पैक्ट में इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। तो अगर मान लिया सपोज थ्रेट्स हैं, तो थ्रेट्स क्यों मेटलाइज होते हैं? क्योंकि प्योर पुअर कंट्रोल्स हैं, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल्स हैं, जिसकी वजह से थ्रेट ने वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर दिया है। तो थ्रेट्स हमने पढ़ा वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। तो थ्रेट्स ने वनरेबिलिटी को क्यों एक्सप्लॉइट कर दिया? क्योंकि कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं। तो कंट्रोल्स, अगर हम कहना चाहें, कंट्रोल्स वो चेक्स या रिस्ट्रेंट्स हैं जो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि सिक्योरिटी को हम इन्हेंस करें। अब कंट्रोल्स क्या कर सकते हैं? कंट्रोल्स थ्रेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक। थ्रेट्स को ही रिड्यूस कर दो, थ्रेट्स को अगर रिड्यूस कर दिया तो वनरेबिलिटी को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। अगर मैंने जैसे बोला, आपने पिछले सेशंस में बोला, आपके आप एक मोहल्ले में रहते हो और वहाँ पर एक पुलिस वाला है और आप वनरेबल हो, आप कमज़ोर, सॉरी एक गुंडा है जो आपको थ्रेट देता रहता है, आप वनरेबल हो, आपके अंदर वनरेबिलिटी, आप कमज़ोर हो, लेकिन पुलिस वाला आपने वहाँ पर खड़ा कर दिया, वो दिखता रह रहा है, तो थ्रेट्स कम हो गए। इसी तरीके से अगर आपका आग लगने का डर है तो कंबस्टिबल मटेरियल कम कर दो, आग लगने का डर है तो फायर एक्सटिंग्विशर लगा दो, आग डलने का डर है तो इग्निशन टेम्परेचर, आप ये देखो, आप अपनी फैसिलिटी वहाँ बनाओ, उस जगह पर बनाओ जहाँ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि आग जो होती है, आग क्यों लगती है? आग लगने के लिए सबसे पहले इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है, कंबस्टिबल मटेरियल चाहिए होता है, तीसरा सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं लगेगी, एक टेम्परेचर नहीं आएगा तो आग नहीं लगेगी। जहाँ ठंडे प्रदेश है वहाँ आग कम लगती है, जहाँ गर्मी एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है ऑटोमेटिकली आग लग जाती है, आग बहाना ढूंढती है वहाँ पर। 50 डिग्री जैसे टेम्परेचर हो गया, अगर रेगिस्तान वगैरह कोई जगह है वहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो आग मौका ढूंढ रही होती है लगने के लिए, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर आ गया होता है। तो आग का थ्रेट आप करना चाह रहे हो तो कम कर दो। अगर कोई एंटीवायरस, आप बेटर एंटीवायरस लगा लो, क्वालिटी, बेटर क्वालिटी का एंटीवायरस लगा लो। तो आप कंट्रोल्स क्या करते हैं? कंट्रोल्स थ्रेट को रिड्यूस करते हैं, वनरेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कई बार वनरेबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। कंबस्टिबल मटेरियल हटा दिया तो आपने क्या किया? वनरेबिलिटी हटा दी। अब आपका जो बिल्डिंग है वो अगर लकड़ी से बनी है, उसकी जगह आपने लोहे की, आपने सीमेंट की बिल्डिंग बना दी, तो वनरेबिलिटी रिड्यूस कर दी। अगर लकड़ी है उसमें पेंट कर दिया है, नॉन कंबस्टिबल पेंट कर दिया, या उसके बाहर से नॉन कंबस्टिबल मटेरियल लगा दिया, तो थ्रेट को, वनरेबिलिटी को रिड्यूस कर दिया, थ्रेट उस वनरेबिलिटी को कम एक्सप्लॉइट कर पाएगी। इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दो, थ्रेट के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दो, इम्पैक्ट को डिटेक्ट करो और इम्पैक्ट से रिकवरी का तरीका। जैसे मान लिया, अगर इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ, आग लगनी स्टार्ट हुई, फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स वगैरह ऑटोमेटिकली वो आग बुझा दे। तो कंट्रोल्स क्या करता है? कंट्रोल्स, हमने ये पढ़ा था, थ्रेट्स होता है, वनरेबिलिटी होता है, इम्पैक्ट होता है। तो या तो थ्रेट्स को कम कर देगा, या वनरेबिलिटी को ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा, या इम्पैक्ट को डिटेक्ट करेगा और जल्दी से रिकवर करने की कोशिश करेगा, इम्पैक्ट का इफेक्ट कम करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली कंट्रोल्स यही चीज़ करते हैं, या तो थ्रेट्स की लाइवलीहुड कम कर देंगे, या थ्रेट्स को कम कर देंगे, या वनरेबिलिटी को कम कर देंगे, या इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, या रिकवर, अगर इम्पैक्ट हो गया तो उससे जल्दी डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या उससे जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आईएएस कंट्रोल्स का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? एज एन आईएएस ऑडिटर आप जाओगे और आईएएस कंट्रोल को ऑडिट करोगे। तो इन ऑब्जेक्टिव क्या होगा इन आईएएस कंट्रोल का? उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वनरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट ना हो, एसेट्स सेफगार्डेड रहें, मतलब जो सेफगार्ड्स लगे रहें, सेफगार्ड्स मजबूत हों ताकि वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट नहीं हो पाए। तो अगर कई बार क्या होता है, थ्रेट्स प्रिवेंट नहीं कर पाते हम, तो उसमें क्या होगा कि टाइमली डिटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, करेक्टिव एक्शन ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी है। आग लग रही है ये तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर का चलना बहुत ज़रूरी है, पानी की बौछारें आनी बहुत ज़रूरी है।
फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वायरस आ रहा है तो अच्छा एंटीवायरस होना बहुत ज़रूरी है। फायरवॉल अच्छी फायरवॉल लगी होनी ज़रूरी है जो कि मलिशियस ट्रैफिक को अंदर आने ही ना दे। तो करेक्टिव एक्शन होना, टाइमली डिटेक्शन और करेक्ट एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आईडीएस का लगना बहुत ज़रूरी है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स का लगना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसके बावजूद भी कंट्रोल फेल हो जाते हैं तो एक्चुअल इम्पैक्ट हो जाएगा, हार्म हो जाएगा, जिसे आप एक्चुअल इम्पैक्ट कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस एक्चुअल इम्पैक्ट को बचाना है किसी भी तरीके से, इसको इसके लॉस को मिनिमाइज करना है, एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आना है। तो एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप क्या करोगे, कंट्रोल्स का रिव्यू करोगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को अवेलेबल कंट्रोल्स को देखना चाहिए, वो एडुकेट हैं, अप्रोप्रिएट हैं, ताकि वो आईएस रिस्क को मिटिगेट करते हैं कि नहीं करते हैं। उसको मिटिगेट की बात करें, आईएस रिस्क को इलिमिनेट की बात नहीं कर रहे हैं। आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर भी नॉर्मल ऑडिटर की तरह होता है। आप हर जगह जाते हो तो कंट्रोल्स को चेक करते हो, उसको क्या देखते हो, एडुकेट और अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है, ये चीज़ देखते हो, और फिर उसके बाद रिस्क को मिटिगेट करते हो। तो यहाँ पर भी आप आईएस रिस्क को मिटिगेट करोगे, 100% इलिमिनेट नहीं कर पाओगे। रिस्क रिडक्शन, रिस्क मिटिगेशन करोगे, रिस्क इलिमिनेशन नहीं होगा। दोनों चीज़ें अलग हैं। रिस्क रिडक्शन मतलब रिस्क को एक लेवल तक लेकर आना, रिड्यूस करना, या मिटिगेशन मिटिगेट करना। रिस्क इलिमिनेशन का मतलब रिस्क को पूरी तरह खत्म करना। रिस्क 100% नहीं हो सकता। और ऑडिटर क्या करता है, रीजनेबल होता है ऑडिटर, रीजनेबलनेस के साथ चलता है। मतलब 100% श्योरिटी नहीं देता ऑडिटर, वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी रिस्क को ये चेक करोगे, रिस्क मिटिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 100% रिस्क रिडक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई डिफिशियंसी है कंट्रोल्स में या कोई अनकंट्रोल्ड रिस्क है तो आप रिपोर्ट करोगे, आप ऑडिटी मैनेजमेंट को बताओगे कि भाई ये यहाँ पर रिस्क है, और उसके लिए रिकमेंडेशन करोगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑडिटर को ये समझना कि रिस्क और कंट्रोल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और जो कि बहुत ही लॉजिकल है। कंट्रोल्स बढ़ाओगे, रिस्क बढ़ेगा तो कंट्रोल्स बड़े होने चाहिए, रिस्क कम है तो कंट्रोल्स कम होंगे। तो उसको लेकिन क्या होता है कि कंट्रोल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। फायर है तो वहाँ पर आपका वहाँ पर फायर डिटेक्शन सिस्टम्स हैं। अगर सुनामी आ रही है तो आपने वहाँ पर सेंटर ही नहीं बनाना चाहिए था, अपना डेटा सेंटर ही क्रिएट नहीं करना चाहिए था। सुनामी आ रही है, सुनामी इतनी पावरफुल फोर्स है कि अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कोई अर्थक्वेक प्रोन जगह है, तो आप मैनेजमेंट को कह सकते हो कि फ्यूचर में अर्थक्वेक प्रोन जगह पर आप बिल्डिंग मत क्रिएट करो, या अगर बिल्डिंग क्रिएट करो तो पर्टिकुलर रिचर स्केल 8, अगर वहाँ 7.5 तक भूकंप आता है तो 8 रिचर स्केल या 7.6 रिचर स्केल तक बिल्डिंग बिल्कुल खड़ी रहे, डैमेज ना हो उसमें। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो आपको थॉरो होना हो पड़ेगा। मतलब लगता है इजी कि कंट्रोल्स और इंफॉर्मेशन रिस्क, क्योंकि हर चीज़ के कंट्रोल्स अलग अलग हैं। उन कंट्रोल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस कंट्रोल्स के बारे में आपको फिर आप बताओगे, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर एरिया के। तो आपको थॉरो होना चाहिए कंट्रोल्स को के इवेल्युएशन में। उसके अलावा क्या है कि ऑडिटर को ये समझ लेना चाहिए कि जब वो कंट्रोल्स को लगाने, कंट्रोल्स पर ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल्स को समझने की कोशिश कर रहा है, तो कंट्रोल्स की एक कॉस्ट होती है, लेकिन उसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑडिटर को करके देखना चाहिए। तो कॉस्ट क्या हो सकती है, टाइम के टर्म्स में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में हो सकती है, और कई बार परफॉर्मेंस की कॉम्प्रोमाइज के टर्म्स में भी हो सकती है। जैसे एंटीवायरस सिस्टम है, इंट्रूजन डिटेक्शन आईडीएस लगा हुआ है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, तो कई बार इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और एंटीवायरस सिस्टम अगर अच्छा लगा हुआ है और अगर सारे ट्रैफिक को देख रहा है तो क्या होगा कि वो रिसोर्सेज कंज्यूम करने लगेगा और सिस्टम को स्लो कर देगा। तो यानी कि इस कॉस्ट क्या हुई, कंट्रोल लगाने की कॉस्ट क्या हुई, सिस्टम स्लो हो गया। कई जगह पर दूसरी कॉस्ट होती है, फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, कई जगह पर टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। तो उसे ये बेनिफिट्स, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे। उसको ये देखने पड़ेंगे कि रिडक्शन ऑफ रिस्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिडक्शन ऑफ रिस्क बेनिफिट के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये बहुत क्रूशल है कॉस्ट और कंट्रोल्स को बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ कॉस्ट वर्सेज कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कुछ रूल्स हैं हमारी स्टडी में, कुछ रूल्स दिए हुए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर कंट्रोल्स आपने लगाया और वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क को कम कर रहा है, यानी कि एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क होगा, मैनेजमेंट आपको एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बताएगा और आपकी एक थ्रेट होगी। अब मालूम पड़ा आपने कंट्रोल लगाया, वो थ्रेट बिल्कुल डाउन होगी, एक्सेप्टेबल लेवल से बहुत ज़्यादा डाउन होगी, तो आपको अल्टरनेटिव्स का यूज़ करना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स का यूज़ करना चाहिए। अच्छी बात है अगर रिस्क डाउन हो रहा है, अगर रिस्क कम हो रहा है कंट्रोल्स लगाने से, काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल लेवल से कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ये कॉस्टली सॉल्यूशन तो नहीं है, इससे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस वहाँ पर आपको ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगर कंट्रोल जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है, रिस्क से ज़्यादा कॉस्टली है। रिस्क अगर एक एसेट है 10,000 रुपये का रिस्क हो रहा है, आप उसमें कंट्रोल्स 15,000 रुपये के कंट्रोल्स लगा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर आपको कुछ और चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, कुछ और सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पर कंट्रोल्स की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंट्रोल्स रिस्क को सफिशेंटली रिड्यूस नहीं करते तो आपको डिफरेंट कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर कंट्रोल्स रिस्क को सफिशेंटली रिड्यूस कर देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क को कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे। ये कंट्रोल कॉस्टली है। आपका मालूम पड़ा एंटीवायरस है, आपने सबसे बेस्ट एंटीवायरस लिया है और वो एंटीवायरस रिस्क को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, तो आप थोड़ा सस्ता एंटीवायरस ले लो। लेकिन अगर मालूम पड़ा कंट्रोल जो रिस्क है बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल्स कम लगा रखे हैं, तो आपको बेटर कंट्रोल्स ढूंढने पड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर कंट्रोल की कॉस्ट ज़्यादा है रिस्क के इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसमें एक पर्टिकुलर कॉस्ट जाएगी, उस कॉस्ट से कंट्रोल्स की कॉस्ट ज़्यादा है, तो फिर आपको कोई दूसरी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन एक आइडियल कंडीशन होती है, आइडियल कंडीशन में क्या होता है, रिस्क रिडक्शन उतना होता है जितना ज़रूरी है और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अगर रिस्क रिडक्शन उतना है जितना मैनेजमेंट ने बोला है, जहाँ तक रिस्क लाना है वहाँ तक मैनेजमेंट के एक्सेप्टेबल लेवल तक आप रिस्क ले आ रहे हो और वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है, तो वो बेस्ट चीज़ है। तो एज एन ऑडिटर आप ये सारी चीज़ें देखोगे, आपको ये एज एन ऑडिटर आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन रिस्क बढ़ेगा, जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर कंट्रोल्स भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। किसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी? आपको यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने कंट्रोल्स हैं उतने उसी के हिसाब से कॉस्ट लगी है कि नहीं लगी है। कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लगी है, रिस्क से ज़्यादा की कॉस्ट तो नहीं लगी है। अगर रिस्क से ज़्यादा की कॉस्ट लगी है तो आपको ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हैं। लेकिन कई जगह पर कंट्रोल्स रिस्क को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल से बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, जितना मैनेजमेंट कहता है उससे बहुत ज़्यादा रिस्क को रिड्यूस कर लेते हैं। तो आप ये देखोगे उस कंट्रोल्स की जगह दूसरा कंट्रोल्स लगा सकते हैं, यानी कि अगर कोई एक एंटीवायरस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जितना मैनेजमेंट जितना रिस्क रिडक्शन चाहता है उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप एक थोड़ा सा सस्ता एंटीवायरस ले सकते हो उस केसेस में। और अगर कॉस्ट के अनुसार कंट्रोल्स लग रहे हैं, मतलब जो रिस्क की